वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट जो हेल्प अगर आपको मिल रही है वो और लोगों को भी मिल सके। आज का सेशन रहेगा कि लोगों की इंक्वायरीज आ रही हैं कि सर आप ऑनलाइन सेशन में होता क्या है, आप हमें एक बार एक्चुअली ब्रीफ कीजिए। ऑनलाइन सेशन मैं देता हूँ, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है ऑनलाइन सेशन का मतलब क्या है। जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे उनको मैं देता हूँ ऑनलाइन सेशन। ऑनलाइन सेशन मेरे पास ऑलरेडी इंडिया और इंटरनेशनल के ऑलरेडी सेशन इस टाइम चल रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या रहता है, ऑनलाइन सेशंस के अंदर ये रहता है कि भैया जो चीज़, अब लोग कहते हैं कि सर हमें ना एक चीज़ ये समझाओ कि आप आधे घंटे में क्या एक्सप्लेन करते हो। अब देखो ऐसा होता है, जब तक सामने वाले को आपके बारे में वीडियो के थ्रू आपके एक्सप्रेशन नहीं पता लग रहे, आपके बारे में ये नहीं पता कि आप किस वे में बोल रहे हो, किस स्पीड के लेवल के अंदर आप बोल रहे हो, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन सॉल्यूशन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। वीडियो कॉल सेशन हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है सो दैट मैं आपको अंडरस्टैंड कर सकूँ कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और वही प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुई। आपको उसके रीज़न बताए जाएंगे, भैया ये रीज़न थे, इनकी वजह से आपकी ये आज जो आपकी है सिचुएशन ये इसलिए हुई है। अब आपने कौन कौन से आज की डेट से आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है सो दैट सॉल्यूशन वो आपको हेल्प कर सकें। तो उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ये आपने स्पीड रखनी है, ये अपनी वॉल्यूम रखनी है। हर चीज़ का अलग अलग होता है, हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर चीज़ डिफरेंट होती है, हर किसी की प्रॉब्लम हमेशा अलग अलग होती है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं कभी भी वीडियो कॉलिंग में एक से ज़्यादा इंसान को नहीं लेता। लोग कहते हैं कि सर आप इकट्ठे भी करवा दीजिए, ग्रुप में करवा दीजिए, हर इंसान की अलग प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सॉल्यूशन भी उसको अलग ही चाहिए, उसको अटेंशन भी अलग ही चाहिए। तो इसलिए ऑनलाइन सेशंस के अंदर हम ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी के बारे में, अटकना, हकलाना और थुतलाना। अटकने के लिए कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है कि हर किसी को लगता है कि सर मैं इसी अक्षर पर अटकता हूँ। अगर आपने वो अक्षर अगर अपने माइंड में रख लिया तो वो आपकी मिस्टेक है, वो आपको ऐसी हैबिट नहीं बनानी चाहिए। अपने माइंड से उन अल्फ़ाबेट्स को निकालिए। अब जैसे र और ल की मैं अगर यहाँ करूँ बात, र में क्या होता है, लोगों की वाइब्रेट नहीं होती जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा मतलब उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हमारा र क्लियर नहीं हो रहा, र क्लियर नहीं हो रहा। तो उसके लिए हाँ, यहाँ भी इस जगह पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। लोग ये भी कहते हैं कि सर हमने यूट्यूब पे ऑनलाइन सेशन और लोगों से भी लिए हैं, तो भैया मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, हर इंसान की अपनी अलग नॉलेज है और मेरी ये नॉलेज अलग है, ठीक है ना। अब लोग कह रहे हैं कि सर इतने महीने हमने की प्रैक्टिस, हमने उस चीज़ को अप्लाई किया, उस बंदे ने अब यहाँ ये बात एक्सप्लेन की थी वो, लेकिन अभी तक हमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाई। अब मैं अपनी बात बताऊँ कि मैं तो हर किसी को ये दावा करता हूँ कि भैया एक सेशन के अंदर ही जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको लाइव दिखाऊँगा डेमो के साथ। आपको ये पता लग जाएगा कि अगर मैं इस चीज़ को अगर ऐसे अप्लाई करूं तो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ अगर आपको अगर आज दिख रही है वही चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म में अप्लाई करोगे तो उस चीज़ की हैबिट बना लो तो अच्छी बात है ना, ठीक है। तो इसके बाद रहता है कि जो अटकने वाले होते हैं र और ल। र में क्या होता है, वाइब्रेशन के पीछे मत भागो, मैं हमेशा कह रहा हूँ वाइब्रेशन हमेशा साउंड के साथ उस समय आएगी जब आपकी मूवमेंट सही होगी। लोग सोचते हैं कि बस वाइब्रेशन आ जाए, चाहे नीचे से आ जाए या ऊपर से, ऐसा नहीं होता। जीभ को पहले आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये इसका सिंपल सा बेसिक फंडा है र बोलने के लिए। जैसे जैसे आप र की प्रैक्टिस करोगे वाइब्रेशन अपने आप आएगी। अगर वाइब्रेशन के पीछे भागोगे र कभी भी नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है ल। ल में भी जीभ ऊपर जाती है लेकिन लग के वापस आ जाती है। अगर मैं इसको अगर लगातार बोलूँ ल ल, तो इसमें क्या है, मैंने जीभ ऊपर गई वहाँ लगाई और वहाँ अपने आप नीचे आ गई। तो इसके बाद और भी शब्द हैं, जैसे स हो गया। स के लिए तो बिल्कुल आसान है, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना। स श के लिए हल्का सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और लोग बोलते हैं कि सर फर्स्ट वर्ड पे हमें दिक्कत आ रही है, फर्स्ट वर्ड के लिए मैं हमेशा कहूँगा जितना जोर आप किसी अक्षर पर लगाओगे वो अक्षर उतना मुश्किल बनेगा, जितनी आराम से आप उस अक्षर को बोलोगे उतना इजी वो अक्षर आपके लिए बनेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जितना ज़ोर ज़बरदस्त
जोर जबरदस्ती मैं कोई भी काम करूंगा मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरा काम वो कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही अक्षरों को जितना जोर जबरदस्ती मुंह से निकालोगे वो अक्षर आपके मुंह में रह जाएंगे, तो फिर आपको लगेगा कि सर मैं उस अक्षर पर रुक रहा हूं, और आप उनको लिखना शुरू कर दोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, अपने ऊपर फोकस रखो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ अगर मैं मुँह से बोल रहा हूँ मेरे माइंड को आइडिया होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं साथ साथ अंडरस्टैंड होना चाहिए मुझे, सामने वाले को तो होगा ही होगा अगर मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं, सोचते कुछ हो रहे हैं, बोलते कुछ हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सब कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। ठीक है ना, अनबैलेंस हो गया है ना, माइंड और माउथ का जो होता है बैलेंस वो एकदम इम्परफेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से आपका कोई ये कंट्रोल नहीं रहता कि हमें इस वर्ड पर क्या मूवमेंट करनी है। ठीक है ना, और भी अगर जो भी अगर आपकी इंक्वायरीज रहती हैं मैं उन सब के लिए आपका वेलकम करूंगा, हमेशा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, जो इंसान अगर हकला के बोल रहा हो उसको ह में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर फ़ोन उठा के बोल रहे हैं है हेलो, अब इसका मतलब क्या है, वो लंबा खींच रहा है और वो रुक रुक के बोल रहा है। हेलो को अगर ह को भी जितना जोर डाल के मैं बोलूँगा वो अक्षर अक्षर के अक्षर अंदर खींचता जाएगा, साउंड नहीं आएगी उस अक्षर की लेकिन अक्षर के अक्षर अंदर खींचता जाएगा, जैसे ह ऐसे नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलो, इजी रखो हेलो, जितना इजी वे में बोलोगे। अब मैं लाइव ऑनलाइन सेशन के अंदर यही दिखाता हूँ कि आप अपनी बात रुक रुक के मेरे सामने आप एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन उसी बात को मैं जब थोड़ा सा वे चेंज करता हूँ उसी बात को वही इंसान बिल्कुल फ्लो में बोलता है, यही मेरा 100% मैं कहता हूँ रिजल्ट आते हैं मेरे। अब ये आपकी हेड है क्या, अगर आप किसी और से अगर आप राय ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं कि सर मैं इतने लंबे टाइम से किया ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो आपकी प्रॉब्लम है। देखो, अब मैं किसी को अगर ऑनलाइन सेशन अगर कोई मुझसे ले रहा है तो उसको 100% रिजल्ट मैं दिखा भी देता हूँ और उसको रिजल्ट आ भी रहे हैं। ठीक है ना, अब ये आपने देखना है कि मुझे साहिल सर से कोचिंग ऑनलाइन सेशन में लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है ना, थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ किया करो, जो बंदा आपको एक्सप्लेन कर रहा है उसको नॉलेज उसकी पता लगती है, फीडबैक ओनली इन वन सेशन में। कोई भी इंसान आपको वन सेशन के बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं करके देगा, लेकिन मेरा क्या होता है, मेरे पास कोई भी आता है या कोई ऑनलाइन सेशन लेता है उसको एक सेशन कंप्लीट मैं हमेशा बनाता हूँ, बिफोर का वीडियो और आफ्टर का वीडियो। एक सेशन के अंदर, एक आधे पौने घंटे के अंदर अगर किसी को इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो उसको थोड़े समय के बाद 100% इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है। तो इसलिए विश्वास आपको रखना पड़ेगा मेरे पर, अगर विश्वास रखोगे तभी मैं अपना 100% आपको दूंगा और जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।